माना जाता है कि मंगल ग्रह चंचल व क्रोधी होते हैं। यदि मंगल ग्रह कुंडली में अशुभ हो तो ग्रस्त जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। अक्सर माँ बाप या अपने बच्चों का जन्म होने के बाद पंडितों से या ज्योतिषियों से पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, कहीं उनका बच्चा मांगलिक तो नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम के साथ जा रही थी, तो उन्होंने मेरे से बस में पूछा, ममता किसी ने मेरे को कहा है कि जो मंगलवार के दिन पैदा होते हैं वो मांगलिक होते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं वो मांगलिक नहीं होते हैं। और बस में हम दोनों खड़े थे, खड़े खड़े मैंने कागज़ पर निकाल कर कुंडली बनाकर मैंने कहा कि मंगल अगर इन इन भावों में हो तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। मांगलिक किसे कहते हैं, ये कैसे पता चलता है, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुशील पवार जी को। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, एमबीए किया है, आपका टाटा टेली सर्विसेज, हिंदुस्तान लीवर जैसी जानी मानी कंपनियों के साथ एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग का अपना तकरीबन 10 साल का अनुभव रहा है। आपका वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का खुद का बिजनेस है। दिल्ली सर से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े और बस जुड़ ही गए। आज आपके सामने महत्वपूर्ण विषय मांगलिक दोष पर अपना शोध पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे सुशील पवार जी। पहले सब अपने लिए एक तालियां बजा लें, एक बार सबके लिए तालियां बजाई है इतनी जोरों से, एक बार अपने लिए अच्छे से तालियां, मजा नहीं आया। अगर नवयुग फेडरेशन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा होना चाहिए नीचे जो स्टॉल्स लगी हुई है वहां तक आवाज जानी चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार जोर से दो चीजें होती है तालियां बजाने से, बंदा बोर नहीं होता, वार्म अप होता है, ठीक है, और चीजों को ठीक से समझ भी पाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आदरणीय सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ज्योतिष के बारे में क्या कहूँ, जितना कहो सुनो सीखो उतना ही कम है। बहुत गहरा ज्ञान है ज्योतिष, और ज्ञान क्या, पूरा विज्ञान है। सभी लोगों की तरह मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत अप एंड डाउन आए। मुझे भी लगता था कि ये क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या मेरी किस्मत में सब ऐसा लिखा हुआ है। जिंदगी की इन्हीं आपाधापी के बीच मुझमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई ज्योतिष के बारे में जानने की, ज्योतिष विज्ञान को जानने की, और फिर यात्रा आरंभ हुई ज्योतिष को जानने की। और इस यात्रा को सुगम में सरल बनाया डॉक्टर दिलीप कुमार जी ने, जिन्होंने अपने 35 वर्षों के अनुभव से मुझे शिक्षा दी। ये मेरी किस्मत है कि मुझे इतने अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज मैं अपना ज्ञान जिस विषय पर आप लोगों के समक्ष रखूंगा वह जन्म कुंडली में मांगलिक दोष। मांगलिक दोष है क्या? वैदिक ज्योतिष में मंगल कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक मांगलिक कहलाता है। इन भावों में उपस्थित मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अनिवार्य कहा गया है। शादी के समय कुंडली मिलान करते समय हमें मंगल दोष भी देख लेना चाहिए। अगर वर या कन्या दोनों में से कोई एक मांगलिक है तथा दूसरा नहीं है और गुण 18 के से ज़्यादा मिल रहे हैं तो भी हमें शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए, अर्थात कुंडली में गुण के मिलाने के साथ साथ मांगलिक दोष भी देख लेना चाहिए। मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा। अब हम बात करेंगे किस भाव में मंगल किस प्रकार की प्रॉब्लम देता है। लग्न भाव में मंगल, लग्न भाव से व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव में मंगल होने से व्यक्ति उग्र एवं क्रोधी होता है। इस भाव में उपस्थित मंगल की चतुर्दृष्टि सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण जातक के सुखों में कमी आती है, तथा सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पर होने के कारण आपस में विरोधाभास एवं दूरियां बनी रहती हैं, तथा अष्टम भाव पर आठवीं पूर्ण दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के लिए संकट का कारण भी होती है। चतुर्थ भाव में मंगल, इस भाव में बैठा मंगल सप्तम, दशम व एकादश भाव को देखता है। यह मंगल स्थाई संपत्ति देता है परंतु गृहस्थ जीवन को कष्टदायक बनाता है। मंगल की दृष्टि जीवन साथी के भाव में होने के कारण जीवन साथी के सुख में कमी लाता है। मंगली दोष के कारण पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। यह मंगल जीवन साथी को संकट में नहीं डालता। सप्तम भाव जीवन साथी का घर होता है। इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए स्वर्था दोषपूर्ण माना जाता है।
इस भाव में मंगली दोष होने से जीवन साथी के स्वभाव में उतार चढ़ाव बना रहता है। जीवन साथी उग्र व क्रोधी होता है। यह मंगल लग्न धन स्थान एवं कर्म स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि के कारण आजीविका का संकट, व्यवसाय व रोजगार में हानि एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण पति पत्नी में दूरियां बनती हैं तथा वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है। अष्टम भाव, अष्टम स्थान दुख कष्ट संकट दुर्घटना एवं आयु का घर होता है। इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन के सुख को निगल जाता है। अष्टम स्थान में मंगल मानसिक पीड़ा एवं कष्ट प्रदान करने वाला होता है। जीवन साथी के सुख में बाधक होता है। धन भाव पर दृष्टि होने के कारण धन हानि और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। जीवन साथी रोगी होता है तथा रोग के कारण दाम्पत्य सुख का अभाव होता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन का सुख समाप्त करता है। अगर पत्नी की कुंडली में देखते हैं तो पति का मांगल्य भाव बन जाता है। द्वादश भाव, जन्म कुंडली का द्वादश भाव सैया सुख निद्रा तथा व्यय का स्थान होता है। इस भाव में बैठा मंगल पति पत्नी के संबंध में प्रेम सामंजस्य का अभाव देता है। धन की कमी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती हैं। व्यक्ति में काम की प्रभावना प्रबल हो जाती है। अतः मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। इसके मंगल दोष प्रभाव समाप्त हो जाते हैं क्योंकि लोहे को लोहा काटता है ऐसा कहा जाता है। अंत में ये मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत कुछ है मांगलिक दोष पे बोलने के लिए पर टाइम का यहाँ पर अभाव है। अंत में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और डॉक्टर दिलीप कुमार जी जिनके आशीर्वाद से मैं आज खड़ा हूँ, वह जितनी खूबियाँ उनके अंदर हैं उनमें से कुछ प्रतिशत भी मैं अपने अंदर उतार पाऊँ तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगा। ममता मैम का के लिए मैं क्या कहूँ, उनसे एक बार किसी क्वेश्चन को पूछ के देखो पूरा पिटारा खोल देती हैं, पूरा ज्ञान का खजाना खोल देती हैं। उनसे अच्छे ढंग से वो हर चीज़ को समझाती हैं फिर दोबारा उस विषय के बारे में कोई संशय उत्पन्न नहीं होता है। अपनी बातों का सार कुछ लफ्जों में कहकर विराम देना चाहूँगा। वो हवा नहीं जो खो जाएंगे, वो हवा नहीं जो खो जाएंगे, वो वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, वो मौसम नहीं जो बदल जाएंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार जी तो ज्ञान के वो सागर हैं जो जन्मों जन्मों तक इस संसार को अपने ज्ञान से महकाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुशील जी।